इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एट द एड्रेस दुबई मॉल एंड टुडे बोल इंडिया न्यूज चैनल को एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट करने का मौका मिला जो है वाइज। एंड वाइज एक ऐसा इवेंट है वेयर इन टुडे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया गया था एंड वी हैड इनवाइटेड ऑल द पर्सनालिटीज हु आर डूइंग इनक्रेडिबल, हु आर डूइंग फिनोमिनली इन देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ऐसे ही एक पर्सनालिटी है आज मेरे साथ जो बहुत ही कम समय में बहुत ऊंचा नाम कमाया है, दैट इज मिस आयशा खान। हाउ आर यू डूइंग मैम? Thank you so much. It's a very beautiful evening and it's an honor to be part of your interview. Thank you so much. Aisha ji ke bare mein agar main kuch words start karu bolna, so I tell you, I can bet you aapko goosebumps aa jayenge. We know Dubai is one of the most expensive countries and to eat food is also a task for many. Ek baar ka khana khane ke liye bhi bahut mehnat lagti hai, but Aisha ma'am jaise logo inke initiatives ke wajah se देर आर पीपल जो तीन बार खाना खा सकते हैं एंड एट सच अफोर्डेबल कॉस्ट। आप कॉस्ट सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मेरे बिना टाइम वेस्ट किए हुए ओवर टू मैम। मैम प्लीज बताइए हाउ इज दिस इनिशिएटिव एंड मैंने सुना है बहुत ही बेहतरीन एंड यू नो वेरी अलार्मिंग प्राइजेस आप ऑफर करते हैं। दिस इज द फिफ्थ ईयर एंड द कॉस्ट रिमेन्स फ्रॉम 50 फिल्स टू 3 दिरहम। सो इसी कॉस्ट में मतलब हमारा सारा जर्नी जो है वो 50 फिल्स टू 3 दिरहम में है, स्पेशली इसलिए बिकॉज हमारा ऑडियंस वो है। एवरी 3 मंथ्स वी आर सीइंग कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है, खाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बट किसी की भी सैलरी हर 3 महीने बढ़ रही है? नहीं। आफ्टर द पैंडेमिक थिंग्स हैव बिकम स्लाइटली वर्स क्योंकि ग्लोबली सभी जगह ऑल द कंपनीज आर स्लोली क्रॉलिंग बैक टू नॉर्मलसी। इसमें सैलरी इंक्रीमेंट तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन खाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये किसी को तो देखना पड़ता था। वो लोग जो हमारे समाज को, हमारे सिटीज को इतने ब्यूटिफुली मेंटेन करते हैं, उन्हें खाना पड़ता है। मुझे दिन में 2-3 बार भूख लग जाती है तो उन्हें नहीं लगेगी, लगती है वो। एंड व्हेन यू आर हंग्री ऑल व्हाट यू नीड इज अफोर्डेबल फूड, हेल्दी अफोर्डेबल फूड। यही काम करते हैं फूड एटीएम, खाना देते हैं। सो दैट वाज मिस आयशा फ्रॉम फूड एटीएम जो 3 टाइम का मील सर्व करती हैं टू द ब्लू कॉलर कम्युनिटी जो यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपने फैमिली से दूर हैं। एंड आयशा मैम मैंने एक और चीज सुनी, आप 3 दिरहम से 3.5 भी नहीं आप इंक्रीज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मैथ्स, दैट इज द कैलकुलेशन, आप 3.5 भी उसका प्राइस नहीं कर रहे हैं? दुनिया में सभी चीजें मैथमेटिक्स या फाइनेंस नहीं होता है। वी एज अ कंपनी हैव गॉट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूएनजीसी यूएई। ये सब हमारे बड़े बड़े खिताब है, लेकिन हमारे दिल के करीब वो है, वो थैंक यू है जो रोजाना हमें मिलते हैं। हजारों लोग फूड एटीएम जितने आउटलेट्स हैं हमारे उसके बाहर से वेट करते हैं मुझे थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उनके पेट तक खाना पहुंचा, उनकी छोटी सैलरी से पैसा बच के उनके घरों तक पहुंचा। आई एम टॉकिंग अबाउट 200 कंट्रीज। आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इन मोर देन 200 कंट्रीज। माँ बाप के इलाज हो रहे, घर बन रहे, बहनों की शादियां हो रही है, और क्या चाहिए? यही नंबर्स के गेम से हमें बाहर निकलना है। लोगों के पेट तक खाना पहुंचाने से बड़ा ब्लेसिंग और कुछ भी नहीं है। मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग्स पे खड़ा है फूड एटीएम और आगे बढ़ रहा है। सच अ वंडरफुल कॉज, लिटरली मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, आई एम फीलिंग सो इमोशनल और साथ ही साथ मुझे बहुत ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। Because of late, whomever I have met, I have only spoken about business, numbers and maths. Yes, किसी का दिल जीतना है, blessings जीतना है, तो हम पेट को खुश करके जीत सकते हैं। ऐसा ही एक काम, ऐसा ही एक बहुत ही commendable cause कर रही हैं Miss Aisha जी। Thank you so much. Thank you dear. Thank you so much. Thank you. Thank you.